नवरात्रि के दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना की जाती है। इनको ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। कठोर साधना और ब्रह्म में लीन रहने के वजह से इनको ब्रह्मचारिणी कहा गया है। विद्यार्थी और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा बहुत ही शुभ फलदायी होती है। जिनका चंद्रमा कमजोर हो उनके लिए भी माता ब्रह्मचारिणी की उपासना अत्यंत अनुकूल होती है। इस बार माता के दूसरे स्वरूप की उपासना 14 अप्रैल को होगी। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना के समय पीले अथवा सफेद वस्त्र धारण करें, को सफेद वस्त्र में अर्पित करें, जैसे मिश्री, शक्कर या पंचामृत। ज्ञान और वैराग्य का कोई भी मंत्र जपा जा सकता है वैसे माँ ब्रह्मचारिणी के लिए ओम एम नमः का जप करें। आहार और फलाहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बता दें आपको नवरात्रि के दूसरे दिन क्या उपाय करना चाहिए, चलिए बताते हैं आपको। इस दिन श्वेत वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए। माता के मंत्रों के साथ चंद्रमा के मंत्रों का जाप भी करें। माता को चांदी की वस्तु भी समर्पित करें। इस दिन शिक्षा तथा ज्ञान के लिए माँ सरस्वती की उपासना भी करें। चलिए बताते हैं दूसरे दिन का विशेष प्रयास क्या है। दूसरे दिन माँ को शक्कर का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद घर के सभी सदस्यों को दें। ऐसा करने से सभी लोगों का माँ लंबी आयु का वरदान देंगी। बता दें हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल रिपोर्ट।